नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सरस आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शैलेंद्र सरस में। साथियों, आज का हमारा विषय है औषधि दर्शन। औषधियों की जानकारी को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि बालों को कैसे घना, रेशमी, लंबा और काला किया जा सकता है। तो बालों को विभिन्न रूप से, जैसे बालों में कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाने के कारण या समय से धुल ना पाने के कारण, कभी कभी बारिश में असमय भीगते रहने के कारण बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और वो झड़ना शुरू कर देते हैं, या चिंता और तनाव के कारण भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, अथवा किसी कमी के कारण भी बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ऐसी अवस्था में कुछ औषधियों का प्रयोग करके हम बालों को पुनः एक बार फिर से नया जीवन दे सकते हैं। तो उन औषधियों को किस तरह से प्रयोग करते हैं और कौन कौन सी वो औषधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ दूधी घास। ये घास जो होती है, ये जो हमारे दाहिने हाथ में घास है, इस घास का जो है प्रयोग किया जाता है अपने यहाँ जहाँ पर समतल भूमि होती है, जैसे उत्तर प्रदेश या इसके आसपास के क्षेत्र। और ये जो होती है देहरादून में, अर्थात ये उत्तराखंड में पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्र में। दोनों दूधी घास हैं, इनका प्रयोग किया जा सकता है पंचांग। पंचांग का मतलब होता है जड़, पत्ती, तना, फूल, फल, सभी का प्रयोग किया जा सकता है। कोई बड़ी विशेष बात नहीं है, जो भी आपको प्राप्त हो जाए सुविधाजनक रूप से उसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद में लेते हैं कनेर की पत्तियों को। कनेर आप जानते हैं कि कनेर कैसा होता है। साथियों, ये जो पीले फूल वाला होता है इसे कनेर कहते हैं। कनेर की 25-30 पत्तियां ले लेते हैं, या इतनी पत्तियां जो होती हैं ये पर्याप्त रहती हैं एक बार के लिए, तो कनेर की पत्तियों को ले लेते हैं। कनेर की पत्तियों के बाद में लेते हैं गुड़हल के फूल को। जो ये गुड़हल होता है ये भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। गुड़हल के फूल को इस तरह से ले लेते हैं और करीब 8-10 फूलों का प्रयोग किया जाता है। 8-10 फूल हम इसके प्रयोग में ले लेते हैं। अब आगे की बात करते हैं, इसके साथ साथ में इसमें इनका तो पेस्ट बना लिया जाता है, इनको पीस लिया जाता है महीन महीन। इसके साथ साथ में आप अगर हरी मेहंदी मिल जाती है, मतलब जो मेहंदी का पेड़ होता है उससे मेहंदी की पत्तियां निकाल लेते हैं, उनको भी इसके साथ में पीस लेते हैं। अच्छा, अगर पत्तियां नहीं मिलती हैं तो इस पेस्ट को, इस आप चटनी को, या ये कह लें कि इसके बटन को, इसके चटनी को मुल्तानी मिट्टी में भी प्रयोग किया जा सकता है। अब इसको गीला करने के लिए पानी के बजाय, पानी न डालते हुए नींबू का प्रयोग किया जाना चाहिए। नींबू के रस से इसको गीला किया जाए और इसको अच्छे से पेस्ट को तैयार कर लिया जाए। अब इस घोल को जो तैयार कर रखा है इसे बालों पर लगाना है। तो इसमें कौन कौन सी औषधियों का प्रयोग करना है आपको, प्रमुख रूप से दूधी घास और गुड़हल का फूल, कनेर की पत्ती, नींबू का रस, और इसको लेना है मेहंदी की पत्ती के साथ अथवा मुल्तानी मिट्टी के साथ में। इनको अच्छे से एक में घोल कर बालों पर लगाते हैं। 1-1.5 घंटे के बाद में जब ये पेस्ट सूख जाए तो इसे धुल कर साफ़ कर दिया जाता है। अब इसका प्रयोग कम से कम 3 या 4 बार करना चाहिए, सप्ताह में एक बार करते रहना चाहिए। इससे बालों को निश्चित रूप से नया जीवन मिलता है, कांति आती है, बाल बहुत कुछ नरम, मुलायम और लंबे हो जाते हैं। तो साथियों, बालों की समस्याओं को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।